पुलिस की लापरवाही मैं केंद्रीय सरकार की नजर में लाना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस ने 20 जनवरी 1948 को मदन लाल का बयान बरामद किया था। बॉम्बे पुलिस ने भी माननीय श्री मुरारजी देसाई के जरिए डॉक्टर जेसी जैन का बयान 21 जनवरी को बरामद किया। एक दूसरे के सहयोग के बावजूद दोनों पुलिस इस केस में कुछ भी करने में पूरी तरह से विफल रही। यदि पुलिस इस केस पर थोड़ा भी ध्यान देती तो यह दुर्घटना शायद कभी ना घटती। जज आत्माचरण अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश, गांधी हत्याकांड, लाल किला, दिल्ली, 10 फरवरी 1949। Faster. इसे बाहर निकालो, जल्दी करो, बाहर निकालो, बाहर। जल्दी ठहरो। जी सर। सर, व्हाट अ परफॉर्मेंस। ये अच्छी ट्रेनिंग का नतीजा है, आपकी बदौलत सर।
चौथा हमला मिस्टर गांधी पर। बेशक, और चारों हमारे इलाके में, हमें तैयार रहना पड़ता है। हाँ, वो तो खैर है ही। इनसे मिलो, टीजी राजामणि मुदालियार। हेलो। मेरे बाद आजाद भारत के पुलिस चीफ की बागडोर संभालेंगे। डीआईजी रैना बॉम्बे स्टेट के जाबाज ऑफिसर है। इनकी तो हर जगह चर्चा है, तुम हिंदुस्तानी तो नहीं लगते। मैं कश्मीरी हूँ। हाँ टीजी, मैं इनसे ईमानदार है रैना, इनका हाथ बढ़ाना, और तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे भेज दीजिए। कह रहा आपकी याद आएगी। थैंक यू, आपके साथ काम करने में मजा आएगा सर। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एलिजाबेथ, उम्मीद है लेकिन फील्ड का शेर आज अच्छे मिजाज में है। वाह, अब वो जन देखने को नहीं मिलते। नॉर्मन, औपचारिकता छोड़ मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। जी खाइए। भारत की आजादी में मात्र 15 दिन शेष हैं और हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व गांधी और नेहरू जैसे समाजवादी कर रहे हैं, और अब एक सामान्यवादी को भारत ग्रेट ब्रिटेन का दूतावास बना रहा है। असंभव। जल्दबाजी में आजादी दे दी। एक मिनट, आगे सुनो। सामान्यवादी चीन के सिविल वॉर में विजयी होंगे। अगर यही हालत भारत की हुई तो रूस से लेकर भारत तक सब लाल ही लाल नजर आएगा। सरदार पटेल MI5 के एक ऑफिसर को दिल्ली में रख रहे हैं, भारत कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे सहयोग के बिना सामान्यवाद से वो बिल्कुल नहीं लड़ सकते, हमें कुछ करना होगा। क्या तुम्हारा सिक्का भारत के CID में अब भी चलता है? सिर्फ कुर्सी बदल जाने से सिक्का नहीं बदलता। गुड, तो हमारा लक्ष्य भारत को एक खास मित्र बनाना। तुम एक ऐसे समूह की तैयारी करो जो MI5 के खुफिया एजेंट्स के साथ मिलकर हमको सारी बात बताए। कई साल पहले हमने तकदीर से एक तारीख मांगी थी, और आज वो घड़ी हमारे सामने है। पूरी तरह और हर मायने में ना सही, फिर भी काफी हद तक। रात के ठीक 12 बजे जब दुनिया सो रही होगी, भारत को आजादी और जिंदगी नसीब होगी। किसी भी धर्म का पालन करते हो, भारत की संतान है। सबका बराबर हक, अधिकार और कर्तव्य। सांप्रदायिकता जैसी छोटी बातों को बढ़ावा हम नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी देश जिसकी सोच और कारनामे छोटे हो बड़ा नहीं बन सकता। जल्दी कारों रोकी, अंदर ही आ रहे हैं।
चल मगन, चल चल बाजे थो बाज मगन, छेती कर छेती कर। चलो तुम चलो, और मैं मुसलमान, चलो तुम, और मैंने कुछ नहीं कह रही है, तू जा थो, रब रखा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनो, कुछ मदद मिलेगी? गाड़ी है, बेचोगे इसे? मिलदा
किसका बच्चा है? हिंदू या मुसलमान? बोल! ये उसका बच्चा है! देखो इसे! संभल बेटा, संभल! बाबा, ये उसका बच्चा है! बच्चे भगवान का रूप होता है, जिनमें राम रहीम तो न बसते हैं। तुम कौन हो? मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। सबके दुख दर्द को बस अपना समझ कर जीना। सबके दुख दर्द को बस अपना समझ कर जीना। बस यही है मेरा अरमान, मुझे जीने दो। जो हैरान मेरे जीने से, लोग होते हैं जो हैरान मेरे जीने से। लोग होते रहे हैरान, मुझे जीने दो। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। मैं मानता हूं गांधी जी ने भारतवासियों को जागृत निसंदेह किए, लेकिन उनकी अहिंसा नीति से मैं सहमत नहीं हूं। ये याद है 16 अगस्त 1946, नौखाली,
मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी और नरसंहार हुआ था। हम दोनों वहां थे। हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिए। क्यों? क्योंकि हमारे बीच अहिंसा के संत हैं। गांधी जी मान है लेकिन इतने महान भी नहीं है कि ये मान सके बराबरी की लड़ाई में अहिंसा जैसी नपुंसकवादी नीति का कोई काम नहीं है। 6 महीने पहले गांधी जी ने कहा था कि इस देश का बंटवारा उनकी लाश के ऊपर पैर रखकर होगा। देश का बंटवारा हो गया, हमारी मातृभूमि के टुकड़े हो गए। गांधी जी जिंदा हैं और लोग मर रहे हैं। गांधी जी अपने अखंड भारत के संकल्प पर खरे नहीं उतरे। अब उन्हें हिंदू या मुसलमानों का मसीहा बनने का कोई हक नहीं है। चलो देर हो रही है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। आभा अब कुरान से पढ़ेंगी। लो लो आभा, फिर प्रार्थना सभा। कोई जरूरत नहीं है उनकी किताबों से पढ़ने की। वो रोज हमारे लोगों को मार रहे हैं। ऐसा क्या है इस किताब में जिससे तुम्हें आपत्ति है? इस्लाम हमें सहनशीलता सिखाता है, हिंसा नहीं। अगर कुरान का पाठ नहीं होगा तो प्रार्थना सभा क्या उचित होगी? तुम्हारा उनकी किताब से पढ़ना ना उन्हें अच्छा लगता है और ना हमें। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से लोग उत्तेजित हैं। इस वक्त धर्म निरपेक्षता में ही समझदारी है। एक सच्चा हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब होता है। कुछ मुसलमानों को भी मेरा कुरान पढ़ना अनुचित लगता है। लोग धर्म को बेड़ियों में बांध रहे हैं। लोग ये बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है गांधी जी। हमें हर जात के लोगों के बारे में सोचना होगा। अत्याचार और हिंसा के विरुद्ध ये लड़ाई हमें अहिंसा और सत्याग्रह से जीतनी होगी। एक जाति नरसंहार करेगी और दूसरी चुपचाप सहती रही। शरीर की अंदरूनी ताकत केवल सत्याग्रह से ही विकसित होगी। यदि एक जाति झुकेगी तो दूसरी शर्मिंदगी महसूस करेगी। इस समस्या का ये हल नहीं है गांधी जी। इस समस्या का ये हल नहीं है। अत्याचार के खिलाफ लड़ना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। सत्याग्रह अत्याचार से लड़ने की सबसे पवित्र विधि है। आपको आराम की जरूरत है। मैं पुलिस का पहरा कड़ा करवा देता हूं। यदि देश की स्थिति में सुधार नहीं आया तो मेरा जीना व्यर्थ है। रेगिस्तान में सूखे वृक्ष की भांति मुझे ये शरीर त्यागना होगा। शमशेर सुनो, डीआईजी रैना आने वाले हैं, आज रात घर पर ही ठहरेंगे। चाय का इंतजाम करो। जी सर, अभी लाया। गुड इवनिंग जिमी। गुड इवनिंग रैना साहब। इसे गेस्ट रूम में रख दो। जी सर। पूरा ऑफिस साथ लेके चल रहा है। बस कुछ खुफिया फाइलें हैं दोस्त। आई हाँ।
जिमी, मैं बहुत परेशान हूं। देश को बिखरते हुए देखा नहीं जा रहा। पहले बंटवारा, फिर कश्मीर, ग्वालियर, हैदराबाद, हर जगह दंगे फसाद, रोज मारकाट, रेफ्यूजी कैंप्स, बढ़ती हुई बेरोजगारी, दिन ब दिन नासूर बनते जा रहे हैं। ये आजादी है या बर्बादी? सही कहा। अब क्या करें, सूरज के छुपने की देर है और कौमी दंगे और लूटमार शुरू। रैना पुलिस बहुत हताश है, तनाव में है। कईयों के तो घर वाले और जात बिरादरी के लोग भी दंगों में शामिल हैं। देश को जरूरत है एक झटके की। हिंदू मुस्लिम दंगों से बड़ा झटका और क्या हो सकता है? बाकी बातें तुम्हारे स्पोर्ट्स रूम में करें। क्यों, चेंज कर लूं? 5 मिनट में मिलते हैं। कभी अमेरिका का इतिहास पढ़ा है तुमने? कुछ खास नहीं। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, दुश्मन कभी भी वार कर सकता है। बड़ा दिलचस्प वाक्य है। सन 1861 से 1865 तक वहां के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों के बीच सिविल वॉर छिड़ गया। लगभग 10 लाख जवान मारे गए, कई लाख आदमी अपाहिज हो गए हमेशा के लिए, अनगिनत विधवाएं, यतीम, बेबस बच्चे। आखिरकार उत्तर की यूनियन की सेना, जिसकी बागडोर जनरल ग्रांट और उनके प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने संभाली थी, विजयी हुई। दक्षिण कॉन्फेडरेसी के जनरल रॉबर्ट ली को आत्मसमर्पण करना पड़ा। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन हार जीत से सिद्धांत नहीं बदलते। देश की जनसंख्या में लगभग 3% मारे गए। सिविल वॉर की आग तो आखिर बुझ गई, लेकिन अपने पीछे एक गहरी नफरत, विश्वासघात और दुश्मनी की राख छोड़ गई। इतिहास के इस नाजुक मोड़ पर जॉन विल्क्स बूथ ने प्रेसिडेंट लिंकन की हत्या कर दी। वो मंसूबे और ख्यालात जिन्हें 4 साल का सिविल वॉर नहीं बदल सका, उन्हें लिंकन की आकस्मिक हत्या ने बदल डाला। प्रेसिडेंट लिंकन की हत्या वो झटका था जिसने देशवासियों को एक दूसरे से फिर जोड़ दिया। कितनी अजीब बात है कि भारत भी ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। बंटवारे के बाद भारत की आबादी है 34 करोड़। 3% का मतलब है 1 करोड़ से कुछ ज्यादा लोग मरेंगे। प्रिंसली स्टेट्स यकीनन अपनी निजी आजादी घोषित कर देंगे। देश को बिखरने से कोई नहीं रोक पाएगा। खैर, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ठीक है। क्लासिफाइड रिपोर्ट है हिंदू महासभा और उनकी कट्टरधारा पत्रिका हिंदू राष्ट्र पर। पढ़ो इसे। वेल, कल का पता नहीं, नींद मिले ना मिले, आज तो सो लूं। गुड नाइट, कल मिलते हैं। करवटें बदलता रहा लेकिन सो ना सका। तो क्या तुमने रिपोर्ट पढ़ी? ऑफ कोर्स। खुफिया पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, हमेशा की तरह। सांप्रदायिक दल कड़ी निगरानी में। हाँ, हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ताओं का झुकाव हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। नाम है फाइल में, गुडसे, नाना, विष्णु और इनके साथी। मैं इन सब लोगों को बॉर्डर लाइन केस समझता हूँ, आम आदमी और उग्रवादी के बीच। तो उन्हें जेल में डाल देते हैं? तुम पुलिस वाले हो जिमी, अरेस्ट, इम्प्रिजन, टॉर्चर। लेकिन CID में हमारा काम है खुफिया और गुप्त बातों की जानकारी रखना, एनालिसिस करना। मेरा मकसद अपराध को उस वक्त रोकना जब वो महज ख्यालों में हो। जिमी, ये क्या टांग रखा है? ये मिस्टर रैना, जुर्म के बारे में मेरा नजरिया है। अपराधी को टांग दो, जुर्म खत्म। ऐसे सी यू, यू हैव अ सेफ ट्रिप, सी यू नेक्स्ट टाइम।
नमस्कार। सवाल यह है कि हम हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की बुनियाद क्या है? बुनियाद है वो सीख जो हमारे कुछ गुमराह नेताओं ने हमें दी है, और इनमें सबसे खतरनाक और विनाशक है गांधीवाद का हम पर बढ़ता प्रभाव। इतिहास साक्षी है, विनम्रता से कोई भी देश दूसरे देशों के सामने छोटा ही हुआ है, उस पर हावी कभी नहीं हुआ। और इतिहास ही हमें सिखाता है कि अगर दुश्मन तलवार के साथ सामने हो तो उसका जवाब सर झुकाकर या हाथ जोड़कर नहीं, बंदूक से देना होगा। दुश्मन के सामने सर झुकाना कायरता है, मूर्खता है। गांधीवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य है। नेहरू गांधी के नेतृत्व में देश का बंटवारा हो गया। हजारों लाखों लोग इस बंटवारे में स्वाहा हो गए। चेतावनी देता हूं मैं इन दोनों को, बहुत जल्द इन्हें अपने कुकर्मों का फल भुगतना होगा। ऐसे भाषण से लोग धर्म के नाम पे खूनी बन जाएंगे। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? जी, शॉर्ट हैंड राइटर मौजूद है। एक डिटेल रिपोर्ट बनाइए, कल डीआईजी रैना से मुलाकात करते हैं। जी जनाब। भाइयों, आज जब आप यहां से जाएं, तो इस बात का ख्याल रहे, जुल्म के खिलाफ लड़ना हिंदू धर्म है, और अहिंसा इस धर्म को नष्ट करने वाली वो नीति है जिसको जड़ से मिटा देना होगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। जय अखंड भारत। जेंटलमैन, दिस मेंटेलिटी मस्ट चेंज। महज भाषण रोकने से कुछ नहीं होने वाला, हमारी नजर अपराध रोकने पर होनी चाहिए। सीधा गांधी और नेहरू को धमकी दी जा रही है, अब किस बात का इंतजार है? हम पुलिस हैं, रिपोर्टर नहीं, हमें कुछ करना होगा सर। क्या मतलब, किस बात पे एक्शन ले? भाषण पर? सड़क पर बार बार झाड़ू मारने से तूफान नहीं रुकते राव साहब। हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमें ठोस सबूत चाहिए। That's all. देउल, तुम ठहरो जरा। और चूरे के पीछे खुफिया पुलिस लगवा दो। कौन है, क्या करता है, समझे? यस सर। मुझे पूरी जानकारी चाहिए, अंडरस्टैंड? ये प्राइवेट कार की चाबी है। मदन कौन है? कौन है मदन? कौन है मदन? कौन पूछ रहा है? तुम चलो मेरे साथ, बाद में दिखता नहीं व्यस्त हूं।
माफ करना भाई, माफ करना। हमारे सेठ विष्णु अहमदनगर हिंदू महासभा सचिव तुमसे मिलना चाहते। चाय का इंतजाम करो। जी। क्या हुआ, आज फिर लड़ाई झगड़ा करके आए हो? इनको दूध वूध पिलाया करो, तो तुम हो विष्णु सेठ? सिर्फ विष्णु। कल तुम्हारे कैंप गया था, उन रिफ्यूजियों पर तुम्हारी दरिया दिली देखी, अच्छा लगा। कोई नहीं उन बेचारों का, सरकार खुद को बेबस बताती है और अपने हाथ खड़े कर लेती है। क्यों ना हम उन्हें पाकिस्तान भेज दें और वही मौका रिफ्यूजियों को दे दें। ये क्या बकवास है? हम हिंदुस्तानी इंसान को उसके दिल से तोलते हैं, मजहब से नहीं। सदियों से हमारी यही परंपरा चलती आ रही है। शिवा, शिवा, शिवा! मेरा सर फटने लगता है जब कोई नौजवान ऐसी बात करता है। तो सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान उनका है तो हिंदुस्तान किसका है? जवाब है मेरे पास। मैं जानता हूं अमेरिका के लोग भारत में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। मुस्लिम भारत की तरफ से उन्हें मेरा सलाम। मैं आपकी हमदर्दी महसूस कर सकता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के विशाल महाद्वीप के तमाम मजहब, जाति और वंशों में दो विभिन्न प्रदेश हैं, हिंदू और मुसलमान। हम भारत का बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में करना चाहते हैं, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे दोनों मजहबों को सही मायने में आजादी नसीब होगी। इस आवाज को पहचानते हो? कायदे आजम, पाकिस्तान के प्रवर्तक जिन्ना, जिनका कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम इंडिया है और हिंदुस्तान हिंदू इंडिया। सीधे और साफ शब्दों में तुम्हारी बात में दम तो है सेठ। सिर्फ मेरी नहीं, पूरे देश की पुकार है। कौन सा पाप किया हमने कि हमारे लिए खुद का कोई देश नहीं हो सकता? हमारा हक कहाँ है? खैर, मुझे क्यों बुलवाया तुमने? अत्याचार के विरुद्ध धर्म युद्ध लड़ रहा हूं मैं, साथ दोगे मेरा? ये हुई ना बात राज। जी बॉस। सोमवार को गणपति विसर्जन में मदन को अपने साथ लेके आना। चलता हूं। बड़ी सफाई से बदल देते हैं सेठ जिन्ना साहब के भाषण को। दोनों पिटके आए हो बेवकूफ, चलो यहां से। सुनो, कहीं छोड़ दूं? पुलिस और जनसेवा, ये नहीं, मैं चला जाऊंगा। मैं कह रहा हूं बैठो गाड़ी में। चलो। मैं नहीं पीता। तुमने शायद गौर नहीं किया, खाली है। फिर भी मैंने तुमसे पूछा, हम जानते हैं तुम नहीं पीते। मदन, मेरा नाम जानते हो? हम सब जानते हैं,
वैसे महासभा के दफ्तर में क्या कर रहे थे तुम? लोगों का पुलिस पर से विश्वास उड़ गया है या चोर शहर छोड़कर भाग गए? क्यों टाइम खराब कर रहे हो? तुम इन राजनीतिज्ञों की जात को जानते नहीं। उस रास्ते चलोगे तो मुझे ये जादू की छड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। धमका रहे हो? इसे मेरा मशवरा समझो। अच्छी संगत में वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है। अभी उससे पूछो जो तुम्हारे साथ बैठा हो। हम जल्दी मिलेंगे। जय हिंद। ओमकार जी, इस पर नजर रखना। जी सर। लेट्स गो। मदन इधर आओ। रामा नाना इससे मिलो, पंजाब का शेर मदन। और मदन मेरे मित्र, हिंदू राष्ट्र के संपादक रामचंद्र, संचालक नाना और मेरे बहुत ही करीबी मित्र शांताराम। ए काय करतोस, क्या करते हो तुम मदन? बेरोजगार रफ्यूजी। खून खोलता है मेरा ये सोच करके हमारे देशवासी कैसी घृणात्मक स्थिति में रह रहे हैं। जब देश गुलाम था मन महसूस के रह जाते थे, पर अब किसको दोष दें? सही कहते हो भाऊ, पाकिस्तान से आए इन रिफ्यूजियों का हाल किसी जानवर से कम नहीं है। और गांधी जी इन्हें नौकरी देने के बजाय इन्हें वापस पाकिस्तान भेजने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अरे तुम दोनों हर जगह अचिंतित भाषण शुरू कर देते हो, आप लोगों की बातों से कहीं मदन भाई डर ना जाए। पंजाब का शेर है ये, किसी से नहीं डरता। विष्णु बहुत प्रशंसा करता है तुम्हारी, मेरे पास काम है तुम्हारे लिए। कुछ भी करूंगा, बस एक मौका चाहिए। हथियार से हथगोले तक दोनों बनाता हूं। गणपति बप्पा, आभारी हूं तुम्हारा दोस्त। कैसी बातें करते हैं विष्णु से, जब तक सांसें हैं जो बन सके करूंगा। अब मैं चलता हूं। मदन तुम अगली गाड़ी से माल लेकर सीधा अहमदनगर पहुंचोगे। पहुंच जाऊंगा। चलो सात बक्से ग्वालियर के, तीन बक्से जामनगर। जी पुलिस रेड लगता है। तुम लोग उन्हें जाके रोको, मैं मदन को लेके पीछे के रास्ते से निकलता हूं।
एक बार फिर तुमने हमारा सर ऊंचा कर दिया जिमी। मैं खुद तुम्हें बधाई देना चाहता था वासन पुष्पासन फैक्ट्री की रेड में सफलता हासिल करने के लिए। इस समय इसकी सख्त जरूरत थी। थैंक यू सर, लेकिन थोड़े दिन में एक और फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी। हम ये लड़ाई हार रहे हैं सर, लोगों का कानून से विश्वास उठ चुका है। जानता हूं जिमी, जानता हूं देश बिखर रहा है जिमी, कट्टरता अपनी जड़ें जमाती जा रही है, यहां तक कि पुलिस फोर्स में भी। सो हमारा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये कट्टरवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता। और इस सब में मेरी मदद की जरूरत पड़े तो सीधा मुझे बोलो। बस यही कहने के लिए तुम्हें बुलाया था। जय हिंद। जय हिंद सर। मार दो इन्हें। बाप कहाँ हो तुम? नफरत है मुझे हिंसा से। तैयार हो गया तुम्हारा रामबन? राज आज माल आ रहा है, रात को 12 बजे गोदाम पे मिलेंगे। जी वाह। चलो enjoy yourselves. Hey, Raina, क्या बढ़िया कार है। स्वागत है, आने के लिए शुक्रिया। गुड, थैंक यू सर। ये है मेरे दोस्त डीसीपी जिमी, ये आपसे मिलना चाहते थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं। जिमी वेलकम, साथी ऑफिसर से मिलकर खुशी होती है। ये है मेरी सिस्टर एमिली। हेलो। माफ कीजिए सर, बिन बुलाए मेहमानों पर आपके बारे में इतना सुना है कि अपने आप को रोक नहीं पाए। नहीं नहीं, तुम्हारा नाम को बहुत अच्छा लगा। आह, द मैन ऑफ द मोमेंट, एक्सक्यूज मी। हे टीजी। कौन सोच सकता था कि सर स्मिथ जैसे सख्त आदमी की बहन इतनी खूबसूरत होगी। जिमी, वक्त मौका और जगह देखकर लड़की पे लाइन मारी जाती है, उसके चेहरे से नजर ही नहीं हटती। वेल, सर स्मिथ ऐसी आंखें जड़ से निकाल लेते हैं। I will take my chances. तुम एकदम बेवकूफ हो। अच्छा खाना, अच्छी दारू, अच्छे दोस्त, दिल्ली से बॉम्बे तक का सफर इन्हीं ख्यालों में कट गया। Excuse me, gentlemen. Yes. कैसे हो रहे ना? टीजी, अब क्या बताऊं आपको, कौमी दंगों को लेकर देश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं।
मुझे डांस के लिए एक पार्टनर की जरूरत है। आप अकेले ही नाच लेना, हमारे भाई का गुस्सा देखा है। शायद आपके भाई ने आपकी खूबसूरती पर गौर नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगा। जीने से मन हो गया क्या? आपका साथ ही जन्नत है मैडम। जन्नत हमारा अंदर इंतजार कर रही है। अब एक्सक्यूज अस, शायद मेरे दोस्त ने कुछ ज्यादा पी लिया है। चलो जिमी। जी जी आइए, चलो। सीम्स लाइक अ नाइस बॉय। आओ तुम्हारा परिचय सर स्मिथ के बावर्ची से करवाता हूँ। कॉकटेल के नुस्खे और विस्की की पहचान उसके बराबर किसी को नहीं है। हमारे ख्यालात काफी मिलते हैं। अच्छे लग। आप लोग चलिए, मैं किसी से मिलकर आता हूँ। जरूर। सर पर्सी, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। मैं नहीं जानता था कि आप देश में हैं। कैसे हो रहे ना? सरकारी तौर पर भारत की हुकूमत से मिलने आया हूँ। बहुत मुश्किल है, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। नॉर्मन की पार्टी से कुछ राहत मिली। इन्हें उन पर भरोसा है और उन्हें शक है, सब बराबर। मीट एलिजाबेथ, माय असिस्टेंट। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। रैना हमारा काबिल ऑफिसर था। काश हम अपने कुछ ऑफिसर्स को अपने साथ इंग्लैंड ले जा सकते। एक्सक्यूज मी सर। अब लास्ट टाइम जब मैं लंदन आया था, आपको सर पर्सी के ऑफिस में नहीं देखा। आपका चेहरा भूलना आसान नहीं है। हमने तुम्हारी फाइल पढ़ी। इम्प्रेसिव। थैंक यू फॉर कमिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नाउ इट्स टाइम टू डांस एंड मेक मेरी टू द म्यूजिक फ्रॉम क्यूबा। काटा, हमें डांस नहीं करना। एमिली तुम जानती हो मैं एक पुलिस ऑफिसर, दूर से झूठ को पहचान लेता हूँ। तुमने डांस के लिए ही तो ड्रेस और जूते चेंज किए हैं। सर आप उस बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। आई एम वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर स्मिथ। मैं अनुमति चाहूंगा, मुझे सुबह की फ्लाइट से दिल्ली जाना है। सर स्मिथ अब हमें भी इजाजत दें, पार्टी बहुत अच्छी रही, बहुत मजा आया। एनी टाइम, आप मुझे अपना चीफ नहीं अपना दोस्त समझो। बस अहमदनगर में जो चल रहा है उसको बंद करवाओ। जी। मैंने और एक और ये सीखा है, शरीर से ज्यादा ताकत दिमाग में होती है। ये ख्याल साथ होगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। गुड नाइट जेंटलमैन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। Thank you, sir. Bye, TG. Bye. Good night. Bye, young man. Good to see you, sir. God bless. Bye-bye. Chalo. तो वहाँ ऊपर
बालकनी में क्या चल रहा था? मैंने सोचा कुछ खुफिया कर ले। मेरे ख्याल से तुम खतरा मोल ले रहे हो। वैसे वो लड़की वैसी नहीं, आप जिसके साथ नाच रहे थे वो खतरनाक चीज थी। वो तो सिर्फ एक डांस था। वाकई आपकी आंखें अभी भी नाच रही हैं। गाड़ी आ गई, आओ तुम्हें घर तक छोड़ दो। थैंक यू। काम बड़ी यादगार थी। बड़ी है बालकनी में। साल की आखिरी शाम, आज की शाम जश्न मनाने की और पीने पिलाने की शाम है। शांताराम, पंजाबी पीते जरूर है पर उन्हें चढ़ती नहीं। आज तुम पियोगे भी और तुम्हें चढ़ेगी भी। अरे भाई तुम लोग थोड़ी आश वाश करो, जाओ भाई।
कंटिन्यू। इंस्पेक्टर सावंत, आज पूरी फौज के साथ आए हो, तुम्हारी पसंद का नाश्ता लगवाओ। तलाशी लो। ए, क्या हुआ? ए, हमें खबर मिली है कि तुम गैर कानूनी हथियारों का धंधा करते हो। क्या गैर कानूनी? मैं, हम जानते हैं तुम कौन हो, पीछे हटो तुम। यहाँ कुछ नहीं मिला जनाब, कुछ भी नहीं है यहाँ। ठीक से ढूंढो। जी। आम जनता पर पुलिस का अत्याचार जारी है, आतंकवादी हैं हम। अब दिखाता हूं मैं तुम्हें राजनीति क्या होती है। खैर, इतनी मेहनत की है, अंदर के जानवर को भूख लगी होगी, नाश्ता लगवाता हूं। जनाब, गोदाम की रेट मुकम्मल हो गई है, शांताराम उनके साथियों को हिरासत में ले लिया गया है। प्रार्थना करो कि मुझे दोबारा ना आना पड़े। जो करना है करो, बहुत जेलें देखी हैं मैंने, अंदर से भी और बाहर से भी। अगली बार जब हमारी जेल में जाओगे, बाहर नहीं आओगे, ये मेरा वादा है, समझे? तलाशी जारी रखो। जी। रुको। जी साहब। तुम्हारे पास जमीन बिगाड़ दो, गोदाम पे छापा पड़ा है, शांताराम पकड़ा गया है, हमें शहर छोड़ना होगा अभी। भाव, अभी अभी ये खबर आई है, नेहरू ने पाकिस्तान के हिस्से के 55 करोड़ देने से इनकार कर दिए। कहते पैसा लड़ाई के बीच पुणे के सिवा किसी काम नहीं आएगा। क्या बात है, चाचा नेहरू की जय। ऐसे ही चलता रहा तो दुश्मन बेबस हो जाएगा। ये खबर पहले पन्ने पे छपनी चाहिए। जी बाबू। फ्रंट पेज। हाउ आर यू बाबू? बूढ़ा हूं। यहां बैठकर बातें कीजिए, शाम को गेस्ट आ रहा है, मुझे तैयारी करनी है। यस डियर, थैंक यू। मिस्टर गांधी, मुझे आपकी मदद चाहिए। और आइए अब सुनते हैं आज की ताजा खबरें। अभी अभी मिली खबर अनुसार गांधी जी ने हिंदुस्तान में चल रहे तनाव के विरोध में अनिश्चित काल का उपवास घोषित किया। उन्होंने आज अपनी प्रार्थना सभा में कहा, ये उपवास उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए रखा है। गांधी जी ने सरकार के पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए ना देने के फैसले की भी कड़े शब्दों में आलोचना की और कहा कि ये राशि पाकिस्तान का हक है और हिंदुस्तान की जिम्मेवारी। उन्होंने देश में शांति और अमन के लिए समझ में नहीं आता, ये संत महात्मा धन के मामले में क्यों शामिल हो जाते हैं? गांधी जी को संन्यास ले लेना चाहिए। देश का विभाजन अथवा कश्मीर के विवाद से भी इनको समझ में नहीं आ रहा। दुश्मनों की मांगों को बिना शर्त मान लेना सांप को दूध पिलाने वाली कार्यप्रणाली है। वो क्या गया है गांधी को? ये सुरावर्ती पाकिस्तान के पक्ष में उन्हें प्रभावित कर रहा है। मेरे ख्याल से सरदार तो
मानेंगे नहीं, लेकिन नेहरू के बारे में कुछ नहीं कह सकता। गांधी के आगे टाल सकेंगे? ये मांग धर्म के मुंह पर तमाचा है। अगर गांधी जी ने अपनी मांगे वापस नहीं ली तो उनका वध करके ही और हाँ, आज मैं अखबार का संपादन नहीं कर पाऊंगा। भाऊ मेरा मन बैठ रहा है। अरे भाऊ ये सब चलता रहेगा। भाइयों आप सबका यहां आने के लिए धन्यवाद। गांधी जी ने अनिश्चित काल के लिए उपवास घोषित किया है। उनकी मांग है कि भारत अपने 55 करोड़ पाकिस्तान को दे दे। उनकी हर एक मांग, उनका हर एक फैसला हमारे खिलाफ है और उनके हक में। आज की यह बैठक इस पे विचार करने के लिए बुलाई गई है कि गांधी जी को कैसे रोका जाए। बंधुओं समय आ गया है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ऐसे महान व्यक्तित्व से हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिले, नहीं तो धर्म का विनाश होगा और यह मुझे कतई स्वीकार नहीं। और ऐसा कार्य करने के लिए हमें हथियार की जरूरत होगी। हम एक राजनीतिक दल हैं, हमें सत्याग्रह अपनाना चाहिए। सत्याग्रह? और कौन सुनेगा हमारी बात? वो राजनीतिज्ञ जो दिल्ली में बैठे देश के विभाजन का जश्न मना रहे वो सुनेंगे? जो नौकरियां और बंगले बांट रहे वो सुनेंगे हमारी बात? सत्याग्रह से इस समस्या का जो समाधान करना चाहते हैं वो सारे महानुभाव कृपया जाए। हम देशद्रोहियों से खुद निपट लेंगे। चलो शस्त्र भंडार चलाता हूं, हथियार खरीदना और बेचना मेरा धंधा है। मैं बाड़के को अच्छी तरह जानता हूं, हम दो दिन में ही मिलकर पूरी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, हथियार इकट्ठा करने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो यह तय रहा कि अगर हालात नहीं बदले तो हम पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोस्तों 3 दिन के बाद सुबह 8 बजे बॉम्बे महासभा के मुख्यालय में फिर से भेंट होगी। नमस्कार। तुम लोग जाओ। बैठो। अब बताओ यहां क्यों आए हो तुम? बहुत जरूरी बात करनी थी सर। पूना और अहमदनगर के कार्यकर्ताओं के बीच एक बैठक थी, वो लोग गांधी जी के उपवास से बहुत नाराज हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। और कुछ? सर अगली मीटिंग 3 दिन बाद बॉम्बे में है, ये मेरी रिपोर्ट है सर। आओ तुम्हें बाहर तक छोड़ दो। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं बॉम्बे में डीसीपी जिमी के घर पे ठहरूंगा। गांधी को मरने दो। किसने कहा गांधी जी को मरने दो? किसने कहा? उनके मरने का इंतजार कर रहे हो? जिन्होंने अपनी जान पे खेलकर हमें आजादी दिलवाई, मरता है तो मरने दो। इससे पहले कि ऐसा ख्याल भी आपके मन में आए आपको मुझे मारना होगा। आओ आओ मारो। क्या हुआ? मारो।
अपना मुंह खोलने से पहले जरा सोचो, क्या अपने बापू को मरते हुए देख सकते हो? बताओ। आस्था थी कि गांधी जी पाकिस्तान को पैसा देने की अपनी मांग को वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सरकार ने गांधी जी की धमकी के सामने घुटने टेक दिए। जो धनराशि रिफ्यूजियों का घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली थी, अब उससे पाकिस्तान को सशस्त्र बनाया जाएगा। गांधी जी की इस हरकत से धर्म का नाश होगा, और धर्म का नाश करने वालों के लिए एक ही दंड, मृत्यु दंड। मेरा प्रस्ताव यह है कि विष्णु, रामचंद्र, मदन, बाटगे, मैं पूरी तैयारी के साथ दिल्ली जाएंगे, बिरला हाउस का मुआयना करेंगे, उसके बाद अंतिम योजना की तैयारी करेंगे। मेरा अनुज गोपी हमारे साथ चलेगा, उसकी सर्विस रिवॉल्वर काम आएगी। और मेरा नौकर शंकर भरोसेमंद आदमी है, काम आएगा। ठीक है, हम सब दिल्ली पहुंचने का इंतजाम खुद करेंगे। अब हम 19 तारीख को शाम 6 बजे मरीना होटल की लॉबी में मिलेंगे। अखंड भारत अमर रहे। अमर रहे। सवाल यह है कि क्या इन लोगों में ऐसा करने की हिम्मत है? मदन, विष्णु, नाना और गोडसे, हिम्मत तो इन सब में है। मैं मदन से मिला हूं, खूंखार जानवर है। ठीक है राज, हमें इनकी हर हरकत पर सख्त नजर रखनी पड़ेगी। अगर कोई भी खबर हो तो सीधा मुझे या फिर DCP जिमी को इत्तला करो। अंडरस्टूड? जी सर। सर सर, कमाल है आपकी CID, मान गया आपके लोहे को, हर जगह खबरी मौजूद। वो तो है, लेकिन दिल्ली में गांधी जी पर हमले की साजिश, ये खबर इसी वक्त TG की नजर में लानी होगी। जी DIG रैना, हेडक्वार्टर में इसी वक्त TG साहब से बात करवाइए। नो, मैं होल्ड करूंगा, बात अर्जेंट है। सरदार पटेल को लगाइए। अच्छा, नहीं, दैट्स ऑल। TG साहब ऑफिस से चले गए हैं और सरदार भारत भ्रमण पर हैं। वैसे कल तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। खाना लग गया, क्यों ना कुछ खा लिया जाए। चलो। की कुर्बानी सा नहीं होती, भविष्य अच्छा ही होगा।
किसी महात्मा की कुर्बानी से नहीं होती, भविष्य अच्छा ही होगा। गुड मॉर्निंग। जानता था आप जाग चुके होंगे। संगीन घड़ी है। टीजी अभी घर पर ही होंगे। सोच समझ कर कदम उठाना होगा। इसमें सोचने की क्या बात है? माफ करना जिमी, प्लीज। ये क्या, मैंने आपको अपना भाई समझा और आप खत्ता। प्लीज जिमी, प्लीज लाओ ये फोन मुझे दे दो। हाथों पर करके दीवार के साथ खड़ा रहो। कोई भी चालाकी की तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे, समझे तुम? तुमने मुझे गद्दार कहा? देव हेडक्वार्टर से 3-4 आदमी लेकर आओ, जल्दी जाओ। क्या मेरी बात नहीं सुनोगे? उसके लिए कानून है, सजा जानते हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फर्ज करो अगर कोई भी उग्रवादी महात्मा गांधी को मार डालता है तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? देश भर में खलबली मच जाएगी, हर तरफ तबाही होगी। शायद तुम यही चाहते हो। याद है कुछ दिन पहले यहां इसी कमरे में हम अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में बात कर रहे थे। जनरल ली के सरेंडर के महज 5 दिन बाद बूथ नाम के एक शख्स ने प्रेसिडेंट लिंकन की हत्या कर दी। एक बार देश भर में जैसे सैलाब आ गया, लेकिन अमेरिकन्स एक बार फिर से एकजुट हो गए। प्रेसिडेंट लिंकन की हत्या मानो 5 साल के सिविल वॉर के जख्मों पर मरहम थी। अपने हाथ ऊपर रखो। इतिहास गवाह रहा है कि कई महापुरुष अपनी मौत के बाद भी महान हो गए। अब्राहम लिंकन एक ऐसे ही महापुरुष थे, और जिमी हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में सिर्फ एक ही ऐसा महापुरुष है। हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से 2 रास्ते निकलते हैं, एक तरफ भारत माँ है और दूसरी तरफ गांधी जी। मैंने माँ को चुना है, अब फैसला तुम्हारा है। मान लीजिए मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? इतना सब जानते हुए भी लोग हमें नाकारा समझेंगे, और बॉम्बे पुलिस की जो बदनामी होगी उसका क्या? भारत का अपना स्कॉटलैंड यार्ड। मैं हाथ नीचे कर सकता हूं, देखो समझो जिमी, मैं ये अच्छी तरह से समझता हूं कि एक काबिल ऑफिसर के लिए उसके डिपार्टमेंट की इज्जत सबसे ज्यादा कीमती होती है, जानता हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि हमारा देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, एक सिविल वॉर की तरफ। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और अगर तुम गलत निकले, गांधी और लिंकन की हत्या का नतीजा एक जैसा नहीं निकला तो? मैं नहीं जानता जिमी, मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि जल्दबाजी में कोई गलत कदम जरूर उठ सकता है। देखो शायद मुझे दिल्ली जाना चाहिए, इन लोगों को तो हम कभी भी रोक सकते हैं। यह गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। सर आपने मुझे बुलवाया? ले जाओ इन्हें। क्या? माफ कीजिएगा सर। कोई बात नहीं, आज दोस्त दुश्मन से बढ़कर निकला। रुको, ओमकार तुम जाओ, यहां से मैं संभालूंगा, जाओ। जी सर, अगर जरूरत पड़े तो मैं बाहर ही हूं। तो बाकी बातें हम नाश्ते पर करें। मेरे पास बहुत काम है, समझे तुम?
बॉडी गेस्ट हाउस। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। हद है जिमी, क्या कर रहे हो तुम? सर बाहर में इम साहब के साथ बैठे हैं। आप कहें तो हम बॉम्बे को लंदन बनाते हैं। एक बार कह के तो देखिए। एनीथिंग फॉर यू। आपके दोस्त बहुत मजाक किया है। मैंने भी बहुतों से इनकी तारीफ सुनी है लेकिन मजाक किया कभी नहीं। सच में मजाक किया है। इनकी याद आई, मिलने चले आए। चलो इनकी भी किसी को याद आती है या फिर शायद हम इनमें किसी और को ढूंढ रहे हैं। खैर आज हम इंग्लैंड जा रहे हैं, अब हम चलते हैं। मैं बाहर तक चलता हूं। जिमी एक मिनट, मैं आता हूं। ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं, रूटीन पुलिस वर्क। तुम शायद होश में नहीं हो अगर तुम इसे रूटीन पुलिस वर्क कहते हो। एमिली मेरे लिए मैसेज लाई थी। वेल, मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, कोई खास संदेश हो तो मैं पहुंचा दूंगा। तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है रहना? बात खुफिया है। खुफिया है वाकई। भाइयों और बहनों, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश को बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। बापू ने अनिश्चित काल का उपवास रखा हमारे पाप धोने के लिए। उनका शरीर इस उपवास के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनके गुर्दे और उनके फेफड़े काम करना बंद कर चुके हैं। ये उपवास उन्होंने इसीलिए रखा है कि हमारे हिंदू और मुसलमान भाई फिर से साथ मिलकर रहे। बापू का यह मानना है कि देश तभी तरक्की कर सकता है जब हमारे सभी नागरिक एक होकर रहे। बापू ने कुछ शर्तें रखी जो आज हम सब ने खुले दिलो दिमाग और एक नई उम्मीद के साथ मानी। गांधी नेहरू मुर्दाबाद, गांधी नेहरू मुर्दाबाद, गांधी नेहरू मुर्दाबाद, गांधी नेहरू। हमने कसम खाई है कि हिंदू मुस्लिम सिख और अन्य धर्म के सभी नागरिक फिर से मिलजुल के साथ रहेंगे। भाइयों की हम अपने मुसलमान भाइयों की धन संपत्ति जायदाद जिंदगी की पूरी तरह से हिफाजत करेंगे। ये कौमी हादसे जो यहां हुए फिर से नहीं होंगे। जो मस्जिदें जब्त की गई हैं हमारे मुसलमान भाइयों को लौटा दी जाएंगी। और अगर कोई मुसलमान भाई भारत वापस आना चाहे हम उनके घर उनकी जमीन उन्हें वापस लौटाएंगे। और चुप करो, बंद करो बकवास। हमारे लोग मारे जा रहे हैं और हम पाकिस्तान को पैसे भेजेंगे। कोई पैसा पाकिस्तान नहीं जाएगा, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। रेफ्यूजियों के बारे में भी सोचा है? अखंड भारत अमर रहे, अखंड भारत अमर रहे, अखंड भारत अमर रहे। ये देखा आप सबने, इतना जहर इतनी आग। देश को जरूरत है हमदर्दी की, इंसानियत। प्रतिशोध की इस आंधी में खोए हुए दिलो दिमाग से ये देश बिखर जाए। गांधी जी का दिखाया हुआ रास्ता सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के लिए नहीं है, सारे समाज के लिए। अहिंसा के मार्ग पे चल के जो आजादी हमें नसीब हुई है, हिंसा का हाथ पकड़कर अब हम उसे खोने नहीं देंगे। शर्म आनी चाहिए हमें कि हमारे कुछ भाई
आजादी का मतलब समझ ही नहीं आए। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, गांधी नेहरू जिंदाबाद। गांधी जी की यही इच्छा है कि हम सब हिंदू और मुसलमान भाइयों की तरह रहें और एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करें। मेरी भी आप सबसे यही प्रार्थना है। जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? मदन लाल पावा। इस तरह शोर मचाने से, दंगा फसाद करने से क्या होगा? वैसे भी क्या हो रहा है इस देश में? हम पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हैं? क्यों? ताकि हमारे और लोग मारे जाएं? क्या सरकार वही पैसे रेफ्यूजियों पर खर्च नहीं कर सकती? तुम्हें क्या लगता है, किसी का हक छीन के दूसरे को दे देना क्या इंसाफ होगा? एक दिन तुम्हारी समझ में आएगा, हर मसले का हल मारपीट नहीं होता। खैर, तुम्हारी शिकायत तो हमसे, मेरी बेटी को धक्का क्यों दिया तुमने? 18 अगस्त 1947, भारत आजाद था पर लाखों पार्थवासी बेघर और लाचार, लाहौर के जलते अंगारों में इंसानियत भस्म हो गई, नालियों में बच्चे पड़े थे और माए कोठों पे, जहर दिया मैंने अपनी मां अपनी बहन को, उनका अंतिम संस्कार किया। घिन आती है मुझे अपने आप से, जान दे हो क्यों? क्योंकि तुम और तुम्हारी सरकार ने कुछ नहीं किया, और आज गलती से तुम्हारी बेटी को छू भर दिया तो तुम्हें इतनी ठेस पहुंची। जवान हो, गर्म खून है, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। जाओ घर जाके सोचो कि जो तुमने किया क्या वो ठीक था। जाने दो इसे। जी सर, चलो। कुछ हुआ? नहीं बाबू, ये पिस्तौल तो जाम हो गई। शिवा, विष्णु मत मारो इसे, गलती मेरी थी, जिम्मेदारी मैंने ली थी। अब भी अगर मारना चाहते हो तो मुझे मारो, मजाक चल रहा है। हम यहां एक गंभीर काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और तुमसे एक पिस्तौल का इंतजाम नहीं हो पाया, क्या करें? हाथ गोले फेंके वहां पे, अंदाजा है कितने बेकसूर लोग मरेंगे, कितने हिंदू मरेंगे। एक रास्ता है, कपास का पटाखा। वो क्या होती है? तेजाब को कपास की लड़ी पर डाल के सुखाने से एक विस्फोटक पदार्थ बढ़ता है, ठा, लोग भाग खड़े होंगे और हम गांधी पर हाथ गोले फेंकेंगे। क्या बात है, चलते हैं यहां से, वैसे भी अब यहां करने के लिए कुछ नहीं बचा। पर बम है, भागो भागो।
घबराने की जरूरत नहीं, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, प्रार्थना जारी रखिए। बोला उसने? सिर्फ अपना नाम। ठहरो ठहरो, बस छोड़ दो इसे। नौजवान, तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़कर भाग गए, डरपोक साले। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, सब कुछ सच सच हमें बता दो, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी सजा कम से कम करवाने की कोशिश करूंगा। प्रोटेस्ट कर रहा था मैं। हथगोले लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे? ये लगता है इसे और मुरम्मत की जरूरत है, इसे ऑर्गेनिक चैम्बर में ले आओ। नौजवान, तुम सोच रहे होगे कि ये ऑर्गेनिक चैम्बर क्या बला है। मैं बताता हूं, लाल रंग के बड़े बड़े चींटे सैकड़ों की तादाद तुम्हारे शरीर को अपना भोजन बनाएंगे। 2.5 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा खून चूस लेंगे, फिर वो तुम्हारी चमड़ी को खाना शुरू करेंगे। आखिरी मौका है, कौन है तुम्हारे साथ? बर्बाद कर दिया आपने आपको। सर बाहर तो पुलिस वाले आपसे मिलने आए हैं। पुलिस यहां मेरे घर पर? उन्हें अंदर बिठाओ। जी। Yes? SP अशोक, इंस्पेक्टर राय, संसद बाग पुलिस स्टेशन से। आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? कल शाम गांधी जी पे किसी ने जानलेवा हमला किया है। Yes? लेकिन हमलावर नाकामयाब रहे, उनमें से एक हिरासत में है। हाँ मैंने खबर पढ़ी, लेकिन मैं समझा नहीं मेरा उस हादसे से क्या ताल्लुक। पूछताछ में हमें पता चला कि पुणे शहर के एक अखबार के मालिक इस साजिश में शामिल है, कुछ बॉम्बे के प्रवासी हैं। हमने सोचा कुछ करने से पहले आपसे सलाह मशवरा कर लें। समझा, तो बताइए आप क्या सोचते हैं? हम सोच रहे थे कि एक टीम पुणे भेज दें वहां की पुलिस की सहायता के लिए। मेरे ख्याल से
उन्हें पहले बॉम्बे भेजिए डीसीपी बाटलीवाला से मशवरा करने। वो हमारे भरोसे के अफसर हैं। अगर खबर फैल गई तो उग्रवादी अंडरग्राउंड हो जाएंगे। राइट सर, तो फिर हम दो आदमी बॉम्बे भेज देते हैं। जरूरत पड़ी तो फिर वो वहां से पूना चले जाएंगे। दैट्स एक्सीलेंट। मैं बाटलीवाले को ब्रीफ कर दूंगा। दिल्ली पुलिस एक दल तहकीकात के लिए बॉम्बे भेज रही है। क्यों, उनको मुझ पर भरोसा नहीं है? दिल्ली के सियासती खेल में भरोसे जैसे शब्द दफन हो गए। हमें जल्द मिलना होगा। अपनी वापसी की खबर तुम्हें पहुंचा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं। आधे ऑफिसर इंग्लैंड चले गए और आधे पाकिस्तान। मैंने दो ऑफिसर चुने हैं, बहुत काबिल नहीं है लेकिन ईमानदार और मेहनती। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, और उन्हें फ्लाइट से भेजो। मुझे रिजल्ट चाहिए। सरदार को मैं अवगत करा दूंगा। यस सर। जिमी। जॉइन सर। अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए। सर माफी चाहता हूँ, मैं पहले नहीं आ सका। सब ठीक तो है सर? यही तो समस्या है, कुछ भी सही नहीं है जिमी। मैं कुछ समझा नहीं सर। बैठो, बताता हूँ। कल किसी ने गांधी जी पर जानलेवा हमला किया। जी मुझे खबर मिली। तुम्हारा खुफिया तंत्र एकदम फेल। और तुम्हें मालूम है इस हमले की साजिश कहां रची गई? बॉम्बे स्टेट। जी नहीं, मैं नहीं जानता। बातों से काम नहीं चलेगा जिमी, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। आज एक बुजुर्ग प्रोफेसर आए थे मेरे पास। वो उस रिफ्यूजी को जानते थे जो पकड़ा गया है। उन्होंने उसके साथियों के बारे में खबर दी है जो मैंने इस डायरी में नोट की है। पढ़ो इसे। चाहे कोई भी हो, अरेस्ट करो उन सबको जो इस साजिश में शामिल है। किसी पर भरोसा नहीं रहा इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? सर मैं वही करूंगा जो सही होगा। साहब गाड़ी का समय हो गया। गांधी जी को मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता हूं। वादा करो जिमी, तुम बचा लोगे बापू को। तस्वीरों को जरा गौर से देखना। गांधी जी पर हुए हमले में हमें इन्हीं पर शक है। मुझे सारे डिटेल्स चाहिए। जी सर। हाँ सर, दिल्ली से दो अफसर आपसे मिलने आए। अरे वो दोनों, ये सियासी चाले मेरे। अगर दिल्ली को हम पर भरोसा नहीं तो खुद तहकीकात क्यों नहीं करते? ओमकार, इस कार्यवाही को तुम संभालोगे। कुछ ऐसा करो कि जहां से आए वहीं वापस पहुंच जाए। चिंता नहीं सर, बॉम्बे की भूलभुलैया में ये खुद को भूल जाएंगे। सर आइए, आइए सरकार। मीरा भाई, आदाब। किस्मत अच्छी हो तो मस्ती और काम साथ साथ करने का मौका मिलता है। तुम्हें यकीन है कि जिनकी हमें तलाश है वो यहाँ मिलेंगे? मेरा भाई
खास मेहमान आए हैं दिल्ली से, इनके लिए कुछ खास हो जाए। जी साहेब, फूल सी बच्ची है, क्या गजब का नाचती है, तबीयत खुश कर देगी आपकी। आइए। कैसी हैं आप? चलिए। वैसे तो मेरी मोहब्बत में दम नहीं। बोतल से कहीं बूंद गिर न जाए, सरकार हमदम हमको ही बनाए। बोतल से कहीं बूंद गिर न जाए, सरकार हमदम हमको ही बनाए। बाबुल कहे रुक जा, बाबुल कहे रुक जा, कातिल तेरा सैया। बाबुल कहे रुक जा, कातिल तेरा सैया। मेरे हुस्न के इस बाग पे चक्कू जैन सर। लगता है एक दूसरे पर बड़ी जबरदस्त कार्रवाई चल रही है, कोई साजिश तो नहीं? हम शर्मिंदा,
सर कल ओमकार ने क्या ओमकार का क्या दो जाम तो ड्यूटी पर शराब पीकर यहाँ कोठे पर पड़े हो नहीं ये थे ओंकार भी था सर इन्हें जानते हो ओंकार ये क्या बकरी की तरह मैं लगा रखा है हाँ अच्छा हुआ तुम दोनों की कार्यवाही का तरीका मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया हाँ तुम दोनों वापस जा सकते हो लेकिन एसपी साहब ने कहा था कि पूना और नागर भी हो आना पूना और अहमदनगर क्यों बॉम्बे में दारू कम पड़ गई क्या या फिर रात भर मेहनत करके थक गए और अब छुट्टियां चाहिए तुम दोनों जहां से आए हो वहीं लौट जाओ यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं कौन था पेशावर एक्सप्रेस डीसीबी जिमी बाटली वाला जिमी बाटली वाला तशरीफ रखिए राणा साहब आपकी नसीहत के मुताबिक मैंने अपने आदमी डीसीपी जिमी को भेजे उन्हें फौरन वापस कर दिया गया बिना कोई कारण बताए किडनैपिंग की एक मनगढ़ंत कहानी बता दी ये बिल्कुल समय की बर्बादी है ये तो हमारी खुशनसीबी है कि गांधी जी का ईश्वर पर अटूट भरोसा है जिस तरह से हम काम कर रहे हैं ईश्वर ही उन्हें बचाएगा डीसीपी जिमी एक अच्छे अफसर है चाबाज और काबिल अगर आपके आदमी को सहयोग नहीं मिला तो उसका कोई कारण जरूर होगा खैर मैं चाहता हूं कि आप फौरन बंबई तशरीफ ले जाएं। ये रहा आपका एयर टिकट और इंटरोगेशन रिपोर्ट और जो भी आपके शक के दायरे में हो उसे फौरन गिरफ्तार कर लो माफ कीजिएगा टीजी हवाई सफर से मुझे चक्कर आते हैं मजाक कर रहे हो मिस्टर रैना इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मिस्टर गांधीज लाइफ मैं बॉम्बे जरूर जाऊंगा लेकिन यह सफर गाड़ी से तय होगा इजाजत दें हमारा पिछला प्रयास विफल गया अब हमें आगे की हर एक योजना सोच समझकर बनानी होगी हमें पैसा आदमी उनकी भूमिका हर योजना मैं गांधी जी के निकट जाकर उनको गोली मारूंगा पर्दे पे चल रहे चलचित्र की तरह मुझे अपनी मंजिल साफ दिखाई देती है और हाँ ये कार्य मैं अकेले करूंगा अता गांधी मेला बेटा कड़ाके की ठंड है नदी में नहाने से बदन जकड़ सकता है तुम चाहो तो गर्म पानी और निजी स्नान कक्ष की व्यवस्था करवा दूं महाराज जी मेरे पाप इतने हल्के भी नहीं कि आधे प्रायश्चित से भगवान मान जाए शक्ति दो बिरला हाउस हिंदू महासभा अतिथि गृह और वो सब होटल जहां पे पिछली बार ये बागी लोग ठहरे थे उन सब पर कड़ी निगरानी रखी जाए 24 घंटे
जी सर, पूरा शहर रेड अलर्ट पे है। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिंता नहीं सर, बस मुझे बिरला सदन आने जाने वाले हर इंसान की निजी जांच की अनुमति दे दीजिए सर। तुम्हारी बात सही है, लेकिन बिरला सदन एक निजी प्रॉपर्टी है। फिर भी मैं सरदार से इस बारे में बात करूंगा, ठीक है? जी सर, मैं आपके आदेश का इंतजार करूंगा। हमेशा तुम्हें इतना जिंदा दिल देखा है, लेकिन आज कुछ खोए खोए लग रहे हो। असमंजस में, समझ में नहीं आता अपनी दोस्ती निभाऊं या फर्ज। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? जो भी सही हो, लेकिन अगर दोनों को संभालना हो तो दोनों दोस्त खुलकर बात क्यों नहीं करते? उसे तुम्हारी नीयत समझनी चाहिए, जिस तरह तुम्हें उसके। और अगर हम किसी फैसले पर ना पहुंच सके? Well, कम से कम कोशिश करके तो देखो। तुम्हें उससे अपने सारे सवाल पूछने ही होंगे, फिर फैसला लेना चाहिए। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तुम उन्हीं में से एक हो। जाने वाली गाड़ी में फर्स्ट क्लास की एक टिकट। जी जरूर, 27 रुपए। कल दोपहर की पेशावर एक्सप्रेस। यात्री का नाम बताइए। क्या हुआ बेटा? बाबूजी को तेज बुखार है बाबू, तबीयत बिगड़ रही है, पैसे भी नहीं है हमारे पास, कुछ मदद। चलो यहाँ से, भीख मांगने चले आते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कभी सोचा है कि ये रिफ्यूजी क्यों है हमारे देश में? अगर इसकी जगह तुम्हारा खुद का बच्चा होता और उसे कोई मारता तो क्या बीतती तुम पे? जाओ। बेटा, अपने पिता के पास लेके चलो। चलो मेरे साथ, आओ। संभल कर, संभल कर। उठो बाबूजी, उठो। बेटा मेरा इंतजार करना। कैसे हो तुम जिमी? दिल्ली टू बॉम्बे इलाहाबाद से कैसे? मालूम जब से होश संभाला, समुद्र की लहरों को ऐसे ही सलामी देता आया हो। हम यहां बचपन की यादें ताजा करने नहीं आए। मुझे सारे जवाब चाहिए मिस्टर रैना। पूछो फिर। इतने सालों से पुलिस फोर्स में काम किया, लेकिन आज तक एक दाग नहीं लगने दिया अपनी वर्दी पर, अपने डिपार्टमेंट पर, अपने नाम पर।
लेकिन आज आपकी वजह से अपने होम मिनिस्टर से नजर नहीं मिला पाई। तो तुम्हें क्या लगता है जिमी, जिस महात्मा को मैं चाहता हूं, जिसकी जिंदगी मैं और मेरे डिपार्टमेंट ने पिछले 10 साल में 4 बार बचाई है, क्या मैं उसे इस तरीके से मरता हुआ देख सकता हूं? ये आपकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। रैना, अभी भी वक्त है। सारे उग्रवादी हमारी नजर में है, मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी उन्हें हिरासत में ले लेंगे, यही हमारा फर्ज है। और फिर क्या जिमी? पूरे देश की यह हालत है, एक कौम हथियार इकट्ठे कर रही है और दूसरी कत्लेआम के पक्ष में नारे लगा रही है। मैंने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा, उन सबकी आंखों में वो पागलपन। दिल्ली में नरसंहार होगा वहां जिमी, नरसंहार। कुछ समझ भी रहे हो तुम? तो आपके पास कौन सा प्लान है, कौन सा नुस्खा है? शायद आप ये भूल रहे हैं रैना साहब कि हम सरकार नहीं, सरकारी मुलाजिम हैं। आप तो हमेशा खुफिया रहते हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी नौकरी, मान सम्मान, इज्जत, सब खत्म। तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारी वर्दी इस देश से बढ़कर है, और तुम वर्दी से बढ़कर? तुम अंधे हो गए हो दोस्त, इस झूठे मान सम्मान, झूठी तरक्की, झूठी शान शौकत, और तुम्हारी सोच ने तुम्हें अंधा बना दिया। नहीं जिमी, तुम्हें खुद से प्यार है, देश से नहीं। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इसमें मेरा बयान है होम मिनिस्टर के लिए, उन गद्दारों के नाम के साथ। और क्या इस बयान में मेरा नाम है? मैंने कहा उन गद्दारों के नाम। तुम तो गलत विचारधारा के शिकार हो। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये बयान जमा करने पर तुम्हें इनाम में कोई मेडल या कोई तरक्की जरूर मिलेगी। लेकिन मेरे दोस्त, मेरी बात याद रखना, जब ये बयान जमा होगा तो महज बयान नहीं, देश का कफन साथ होगा। तो मैं क्या करूं रैना साहब? मरने दूं गांधी जी को? गांधी जी इस देश के लिए न जाने कितनी बार शहीद हो चुके हैं, वो हर दिन मरते हैं हमारे आजाद, लाचार, बेबस भारत को लंगड़ाता हुआ देखकर। उनके प्रवास स्थान से 200 गज दूर लोग नारे लगा रहे हैं, गांधी को मरने दो, हमको घर दो। तुम्हें लगता है उन्हें सुनाई नहीं देता? सब सुनाई देता है, ये सब उन्हें मार रहा है। सुनाई देते हैं वो कौमी हादसे, वो मार काट, वो दंगे। ये नहीं है गांधी के सपनों का भारत। मर गया गांधी के सपनों का भारत। तो ये लो, जमा करो अपना बयान। पकड़ो इसे, पकड़ो। लेकिन याद रहे, जब ये फाइल जमा करोगे तो ये महज बयान नहीं, कफन है इस देश का, राख है हमारी मातृभूमि की। और मुझ पर एक एहसान करो जिमी, तुम अपने बयान में पहला नाम मेरा लिखो। कल जब इतिहास के पन्ने खुले तो कम से कम एक तो अफसर ऐसा मिले जो अपनी वर्दी नहीं, अपने देश के लिए लड़ा, बाकी सबके खिलाफ। ओमकार ने गोडसे और नाना को दिल्ली जाते देखा था, यह है उसकी रिपोर्ट। मैं पढ़ चुका हूं जिमी। टीजी लाइन पर है,
आपके अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। करने दो उन्हें इंतजार। सीआईडी में रहकर मैंने एक बात जरूर सीखी है, हमेशा जीत के लिए खेलना, पत्ते चाहे जो भी हो। जैसे ही खबर मिले हमें देश के तमाम सांप्रदायिक तत्वों को हिरासत में लेना होगा। सरकार हमारा साथ देगी क्योंकि अपने विरोधियों को जड़ से उखाड़ने का यह मौका बेकार नहीं जाने देगी, चाहे कितनी ही संगीन घड़ी क्यों ना हो। जिमी, देश को बचाने का हमारा यह आखिरी मौका होगा। मेरी टीम तैयार है। बॉम्बे की डिक्शनरी से सांप्रदायिक शब्द मिटा दूंगा। आपको क्या लगता है कौन होगा इंडिया का जॉन बूथ? बिल्कुल साफ है जिमी, विष्णु। विष्णु? विष्णु के अंदर एक शैतान है, उसे अपने वश में रखता है। विष्णु बाहर से जैसा दिखता है वैसा है बिल्कुल नहीं। वो बूथ भी ऐसा ही एक उतावला और उत्तेजित आदमी था। सुना है उग्रवादी पूना के चितपवन ब्राह्मण वर्ग से हैं, उन पर हमला हो सकता है। वेल, पूना के मजिस्ट्रेट तक कुछ ऐसी खबर पहुंचेगी जिसके फलस्वरूप वो शहर में कर्फ्यू घोषित करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मेरे हुक्म का इक्का। जी, मेरा नाम साठे है, सदाशी पेट में रहता हूँ। पूना से कुछ लोग दिल्ली गए हैं, एक बहुत बड़ी साजिश है, महात्मा गांधी की हत्या की। क्या? जी, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि शहर के गुंडे बाबूराव सनास और वसंत राव देशमुख के लोग इस इंतजार में है कि गांधी जी पे कुछ अत्याचार हो और वो हम ब्राह्मणों पर आक्रमण करें, हमारे घर तहस नहस कर दें। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मजिस्ट्रेट साहब से कह के हम ब्राह्मणों की रक्षा करें। आप निश्चिंत रहिए, मैं मजिस्ट्रेट साहब से बात करूंगी कि वो पूरी तैयारी रखें। हमारे देश में ब्राह्मणों पर कोई आतंक नहीं आएगा। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार टी जी, नमस्कार। बैठो बैठो भाई। कैसे आना हो टी जी, सब खैरियत तो है? जी सर, मैं आपको गांधी जी की सुरक्षा के बारे में अवगत कराने आया हूँ। हिंदू महासभा के कार्यालय पर हम कड़ी निगरानी रख रहे हैं। मदन लाल के साथी वहां आएंगे तो निश्चित तौर पर वो गिरफ्तार हो जाएगा। बहुत अच्छे। शहर में सर हर चप्पे चप्पे पे हमारी पुलिस मौजूद है। बॉम्बे से एक रिपोर्ट आई है सर, पुलिस इंटेलिजेंस की तरफ से, कि अच्छी खासी तादाद में एक सीधा हमला भी हो सकता है, उसके लिए भी हमारी तैयारी है। लेकिन लेकिन एक कड़ी कमजोर है, वो है मुख्य द्वार। तो हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति उस द्वार से भीतर जाए उसकी तलाशी ली जाए। नहीं टी जी, इसके बारे में मैं गांधी जी से बात कर चुका हूं, उन्होंने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है। ये नहीं होगा। हाँ, मैंने उन्हें कुछ दिनों के लिए वर्धा जाने के लिए मना लिया, वहां उन्हें पर्याप्त सुरक्षा भी दे पाएंगे। तब तक संभालो। पूरी कोशिश करूंगा सर। हम सब मिलके जो कुछ कर सकते हैं वो तो करेंगे ही, आगे ऊपर वाला मालिक है। यात्री निवास में रहने का इंतजाम किया है, यहीं रेलवे स्टेशन पर। सभा यात्री निवास पर पुलिस की नजर है, पुलिस हर जगह है।
देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले को शहीद कहते हैं। और इस कार्य में मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कोई भी हरकत हो तो मुझे खबर करो। जी सर। जेंटलमैन, मैं अभी मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस से आ रहा हूं। उन्हें किसी बड़े नेता पर जानलेवा हमले की शंका है। मजिस्ट्रेट साहब का मानना है कि सांप्रदायिक दल ऐसे हादसे का फायदा उठा सकते हैं। राव, मैं चाहता हूं तुम बाबू, वसंत और उनके आदमियों को एहतियाती तौर पर गिरफ्तार करो। ये रहे साइंड वारंट्स। बट सर। नो, जैसा कहा वैसा करो। अभी इसी वक्त से पूना शहर रेड अलर्ट पर है। कोई परिंदा पर भी मारे तो मुझे खबर होनी चाहिए, किसी भी वक्त, दिन या रात। अंडरस्टूड? यस सर। वेरी वेल जेंटलमैन, ऑन अलर्ट। इम्तिहान की घड़ी करीब है। एक बार फिर, अगर देश के किसी बड़े नेता पर हमला हो तो आदेश है कि सारे सांप्रदायिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लो। सांप्रदायिकता भड़काने वालों से कोई रियायत नहीं होगी, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करो। ब्रांड रोड, जुहू, दादर, परेल, चर्चगेट और सभी इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अंडरस्टूड सर। डिसमिस्ड। इन सब बातों से तंग आ चुका हूं। इस मजेस्टी जून में भारत के बादशाह का किताब छोड़ देंगे। हमारे खुफिया सूत्रों का मानना है कि भारत बर्बादी की तरफ अग्रसर है। कट्टर विचारधारा अपनी जड़ें फैला रही है। अफवाह है कि कांग्रेस भी टूट रही है। जो कुछ गलत हो सकता था गलत हो रहा है। I'm sorry सर, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। भारत लोकतंत्र ही रहेगा। ये बात तय है और अब नहीं बदल सकती। लेकिन सर, किंग और कंट्री के लिए ये मेरा आखिरी सलाम है। भारत की आजादी को एक्सेप्ट करना होगा और उसे छोड़ना होगा। नॉर्मन, अगर तुम्हारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो मेरा हुक्म है कुछ मत छुपाना। ऐसी हरकतें अंग्रेजी हुकूमत पर एक तमाचा है। बताओ मुझे, ऐसा ना हो कि मुझे जोर जबरदस्ती करनी पड़े। इन प्यारे शब्दों के लिए नॉर्मन, तुम ऐसे उठकर नहीं जा सकते। नॉर्मन, ये क्या मजाक है? अपने बॉस का ख्याल रखो एलिजाबेथ, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। नॉर्मन, मेरी बात सुनो, वापस आओ। ओह माय गॉड। कम इन। जीवन आओ बैठो। सर, आपने कहा था इलाके में एक छोटी से छोटी घटना हो तो भी आपको आके इत्तला कर दूं। सर, हमारा आदमी प्रकाश बिरला मंदिर पर नजर रखता है। उसने मंदिर के पीछे जंगल से गोली चलने की आवाज सुनी। वहां कोई जंगली जानवर तो है नहीं। कितने बजे की बात है? सर, एक घंटा हुआ होगा। कांग्रेस की अब कोई आवश्यकता नहीं। प्रचार प्रसार के इस सियासी यंत्र की उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है। ये लो, इस सिलसिले में मेरे लिखित प्रस्ताव। ठीक है, कुछ लोग काठियावाड़ से आए आपसे मिलने के लिए। बाद में, प्रार्थना सभा के बाद मिलूंगा, अगर जीवित रहा तो।
बाद में मिलूंगा अगर जीवित रहा तो। सारे सबूत और बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इंडियन पिनल कोड दफा 302 के तहत रामचंद्र उर्फ नाथुराम गोडसे और उनके साथी नारायण आपटे उर्फ नाना को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हंग टिल डेथ। उनके साथी विष्णु करकरे, रिफ्यूजी मदन लाल पावा, गोपाल गोडसे, शंकर किस्टाया और दत्ता राय परचुरे को यह अदालत दफा 120 के तहत इस हत्या की साजिश में दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है। सरकारी गवाह दिगंबर बटके के बयान को मद्देनजर रखते हुए अदालत उन्हें क्षमा करती है और बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। स्पेशल ऑफिसर गांधी मर्डर इन्वेस्टिगेशन, मिस्टर जिमी बाटली वाला। मैंने अदालत का फैसला सुना, I'm sorry। मुझे इसका कोई गम नहीं है और मैंने तुमको इसलिए यहां बुलाया भी नहीं है। सुना है जेल की दीवारों के भी कान होते हैं, गौर से सुनो तो बहुत कुछ सुनाई देता है। तुम्हें पता है तुमको इस इन्वेस्टिगेशन का मुखिया क्यों बनाया गया है? ताकि सच को हमेशा हमेशा के लिए दबाया जा सके। मुझे कुछ दिनों में फांसी हो जाएगी और मेरे साथ सच भी सूली चढ़ जाएगा। अपने दोस्त को बोलो अपना वादा याद रखे, नाना को फांसी नहीं होनी चाहिए। पत्थर पानी पर कितनी भी छलांगें मार ले, आखिर डूबना ही उसकी सही तकदीर है। कैसे हो तुम जिमी? स्वागत है तुम्हारा दोस्त।
धरती पे स्वर्ग कश्मीर में। हत्या पर रिपोर्ट दर्ज करती है, ये आपके लिए गोडसे का संदेश। आप एक अरसे से उसे जानते थे, है ना? गोडसे, विष्णु, नाना, ये सिर्फ मोहरे थे। मुकाम तक पहुंचने का रास्ता मुद्दे की बात है। देश भर में शांति, हिंदू और मुसलमान एक बार फिर से एकजुट हो गए। हैदराबाद अब भारत का हिस्सा है। सांप्रदायिक दल या तो अंडरग्राउंड हो गए या फिर बिखर गए। इससे अच्छा क्या हो सकता था? आखिर सच क्या है? जानते हो, लिंकन की आकस्मिक हत्या के बाद कई सारी अफवाहें फैल गईं और सबसे पहले उंगली उठी उनके वाइस प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन पर। लिंकन की धर्मपत्नी उन्हें ही दोषी मानती थी, लेकिन बहुतों का मानना था कि उस सिविल वॉर में लिंकन के सहयोगी एडविन स्टैंटन इस साजिश के पीछे थे। लेकिन कोई सबूत ही नहीं मिला, सारे सुराग बेबुनियाद निकले, कही सुनी बातें। लेकिन फिर भी अहम बात यह है कि बिखरे हुए अमेरिकन्स एक बार फिर एकजुट हो गए, देश मजबूत हुआ इस हादसे से। तो यह साजिश किसकी थी? कौन था हमारा एडविन स्टैंटन? मेरा लक्ष्य था इस देश की सुरक्षा। गांधी जी का शहीद होना खुद शैतान के साथ सौदा था, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। आत्मा अमर है और फिर कहीं जन्म लेगी, किसी और देश को महान बनाएगी। पहले बुद्धा, फिर लिंकन, अब गांधी। आजादी और इंसान में समानता की लड़ाई उस पवित्र आत्मा का अनंत सफर है, धरती पर स्वर्ग की खोज में। थोड़ी देर में सूर्य ग्रहण है, इस खास चश्मे से हम ग्रहण देख सकते हैं। तुम देखना चाहोगे? तुम देखो जानेमन, हमने तो उसे जिया है। असरार है, रात उलझी है। वक्त असरार है, रात उलझी है। राज गहरा है, बात उलझी है। वक्त असरार रात उलझी है। राज गहरा है, बात उलझी है। वक्त असरार है। जिंदगी है एक सजा, फूलों ने भी क्या दर्द दिया। जिंदगी है एक सजा,
फूलों ने भी क्या दर्द दिया, क्या दर्द दिया, लाल कांटों ने किया, खून है या पानी है, लाल कांटों ने किया, खून है या पानी है, वक्त असरार है, रात उलझी है, वक्त असरार है। आग का दरिया है ये, जलते हुए सपनों का महल, आग का दरिया है ये, जलते हुए सपनों का महल, दिल टहलता है मेरा, रूह मगर रोती है, वक्त असरार है, रात उलझी है, राज गहरा है, बात उलझी है, वक्त असरार है।